बीबी, काफी दिनों से मैं आपसे एक बात करना चाह रही थी। क्या हुआ? खैरियत तो है? क्या तुम्हारी गंदम बढ़ा दूं या तुम्हारे बेटे से बरात की चौकीदारी नहीं होती? हाँ, तुम्हारी बेटी के जहेज की फिक्र मत करना, इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह आपको खुश रखे बीबी, आप तो बड़ा ही ख्याल रखती हैं, पर बात कुछ और है। क्या बात है? वो जी लोग हैं ना, बड़ी अजीब बातें कर रहे हैं शफक बीबी के लिए। क्या बातें करते? वो जी लोग कहते हैं कि आप ना शफक बीबी की शादी नहीं करेंगे मंगनी टूटने के बाद भी, और अक्सर औरतें तो उनके नसीब को बुरा भला कहती हैं। इन लोगों की इतनी जुरत कि मेरी बेटी के लिए बातें कर रहे हैं? और क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि शफक बीबी को बिठाए रखा है और आप उनकी उम्र निकाल देंगी। मनहूस लोगों की इतनी जुरत के मुंह भर भर के मेरी बेटी के बारे में बातें करें? आखिर ये बातें उन तक पहुंची कैसे? कसम ले लें बड़ी बीबी, मैंने किसी से जो एक लफ्ज कहा हो। मैं खूब समझ रही हूँ कि इस घर की बातें कौन बाहर फैला रहा है। तुम तो जानती हो ना कितनी ज्यादती हुई मेरी शफक के साथ। बड़ी बीबी, छोटा मुंह और बड़ी बात, शफक बीबी के ना आप कहीं रिश्ता कर दें। अरे, शफक को रिश्तों की कमी थोड़ी है, वो तो उसका दिल टूट गया जब से उसकी मंगनी टूटी। एक बार शफक और जैन की शादी हो जाए तो देख लूंगी सब। किसकी शादी? किसी की नहीं, तुम जरा मुझे इनके नाम तो बताओ। इनका दाना पानी बंद करूंगी ना तो सब ठीक हो जाएंगे। अच्छा, कपड़े सही से इस्त्री तो हो गए? ठीक है, ले जाकर अलमारी में रखो, और इसमें खुशबू के पैकेट जरा तरतीब से। ठीक है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, शफक के जहेज के कपड़ों को धूप दिखाई थी, दोबारा अलमारी में रखवा रही हूं। मैं बैठ सकता हूं? बैठ जाओ। नूरजहां, मैंने शफा के लिए लड़का पढ़ा लिखा है, संजीदा मिजाज है, और उसकी अच्छी खासी बड़ी बिजनेस है शहर में। शफक के लिए बराए मेहरबानी आप लोगों को कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। जब अल्लाह चाहेगा, जब उसके नसीब में होगा, उसका रिश्ता हो जाएगा। अपने रिश्ते अपने पास ही रखें।